अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है कीमा नान। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मजे की बनकर तैयार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप मैदा ली, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 2 टेबल स्पून घी, घी की जगह आप बटर भी ले सकते हैं। नीम गर्म दूध लेंगे आटा लगाने के लिए, 1 टीस्पून ईस्ट और 1 टीस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून नमक। तो सबसे पहले ये सारी चीजों को मैदा में मिक्स कर लेते हैं। मिल्क पाउडर डाल देंगे, चीनी, नमक और ईस्ट, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, तो इसमें हम दूध डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह गूंद लेंगे। दूध की जगह आप नीम गर्म पानी भी ले सकते हैं, तो आप नीम गर्म पानी से भी गूंद सकते हैं इसे। आटे को हम यहाँ थोड़ा सा नरम गूंदेंगे। तो आटे को हम 2 से 3 मिनट इसी तरह गूंदते रहेंगे। 2 से 3 मिनट आटे को इसी तरह गूंदने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे घी। तो घी हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे इस तरह पंच मारते हुए गूंद लेंगे। अब इसे हम रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। ये अच्छी तरह राइस हो जाए फिर हम इसकी नांद बनाएंगे। तो इसे हम ढककर किसी गर्म जगह पर रख देते हैं। नांद का कीमा तैयार करने के लिए कढ़ाई में हमने 1 टेबल स्पून तेल को गर्म कर लिया है। इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, थोड़ी देर इसे भून लेते हैं। 1/2 किलो मटन का कीमा ये डाल देंगे और कीमे को थोड़ी देर भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट कीमे को भूनने के बाद में इसमें डालेंगे हम मसाले, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च ना हो तो मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 गिलास डालेंगे इसमें पानी। गैस को करेंगे मीडियम टू लो पर और इसे हम ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये कीमा अच्छी तरह गल नहीं जाता। तो बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। कीमा अच्छी तरह गल गया है और हमने इसका सारा पानी सुखा दिया है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़े से मसाले। तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे, हरा धनिया और हरी मिर्च। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके नान बनाएंगे। आटा भी अच्छी तरह राइज हो गया है, कीमा भी ठंडा हो गया है। नान पर लगाने के लिए हमने थोड़ा सा दूध लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और तिल। अगर आपके पास में तिल ना हो तो यहाँ कलौंजी भी ले सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया ही लगा लें। तो सबसे पहले हम आटे की लोइयां तैयार कर लेते हैं। तो आटे को हम थोड़ा सा एक सा करेंगे। आटे को हमने एक सा कर लिया है, अब इसकी हम लोइयां बना लेंगे। तो बराबर साइज की 4 लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। 4 लोइयों को हमने बना लिया है, अब इसे हम बेलेंगे। तो यहाँ हम सूखा आटा लगाएंगे और इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब इसे हम बेल लेंगे। नान को थोड़ा सा बेलने के बाद में इसमें हम डालेंगे कीमा। और अब इसे हम इस तरह उठाएंगे और बंद कर देंगे। तो कीमा भर के ये सारी लोइयों को हमने तैयार कर लिया है, अब इसे हम बेलेंगे। तो बेलने से पहले थोड़ा सा हम सूखा आटा लगाएंगे और इस तरह थोड़ा सा हम लगाएंगे हरा धनिया। हल्के हाथों से अच्छे से चिपका देंगे और ऊपर से ये सफेद तिल लगा देंगे और इसे हम बेल लेंगे। तो बेलेंगे हम यहाँ पर थोड़े से हल्के हाथों से ही, इस तरह घुमाते हुए इसे बेल लेंगे। तो नांद हम यहाँ बहुत ज्यादा पतली भी नहीं रखेंगे और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, मीडियम ही रखेंगे। बस हल्के हाथों से इस तरह हम इसे बेल लेंगे। इसे हम एक प्लेट पर रखते जाएंगे और इसी तरह हम बाकी की नांद को भी तैयार कर लेंगे। नांद हमने बेल ली है, अब इस पर लगाएंगे हम दूध। तो गैस पर हमने तवे को रख दिया है गर्म होने के लिए। तो हमने यहाँ पर ये दूध लिया और इसे इस तरह लगाएंगे ताकि ये तवे पर अच्छे से चिपक जाए। अगर आप यहाँ पर दूध ना लगाएं तो पानी लगाकर भी इसे चिपका सकते हैं। अब इसे हम डालेंगे तवे पर। जैसे ही हम दूध को लगाएंगे वैसे ही हम तवे पर डाल देंगे। तो तवे को हमने गैस पर रखकर गर्म कर लिया है। नान सेकने के लिए आप नॉन स्टिक तवा ना लें, आप सिंपल लोहे का तवा लें। तो दूध हमने अच्छे से लगा दिया है, अभी गर्म तवे पर ये नान को हम डालेंगे।
नांद पर जब हल्के से बबल आ जाए और थोड़ी सी नांद ऊपर से सिक जाए तो हम तवे को इस तरह उठाएंगे और गैस की फ्लेम को हम यहाँ मीडियम पर ही रखेंगे और इसे घुमाते हुए इस तरह सेक लेंगे चारों तरफ से अच्छी तरह इस तरह थोड़ी थोड़ी देर में घुमाते रहेंगे और इसे हम सेकते जाएंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि नान अच्छी तरह सिक गई है, ये देखिए। अब इसे हम निकाल लेंगे, तो एक चम्मच से हम इसे इस तरह निकालेंगे। तो नान को हमने इस तरह चम्मच से निकाल लिया है। अब आप दूसरी साइड भी देख सकते हैं कि नान अच्छी तरह सिकी है, ये देखिए, ये दूसरी साइड भी नान अच्छी तरह सिक गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इस पर हम लगाएंगे घी, आप बटर भी लगा सकते हैं, चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे और इस तरह हम सारी नांद बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही खस्ता ये कीमा नांद बनकर तैयार है। आप यहाँ देख सकते हैं कि नांद दूसरी साइड भी ये अच्छी तरह सिकी हुई है, ये देखिए। अब इसे हम तोड़कर भी दिखा देते हैं, ये देखिए, ये कीमा भी अच्छी तरह गल गया है और नांद भी अंदर से अच्छी तरह सिकी हुई है। तो कीमा तो पहले से ही गला हुआ था, सिर्फ हमें नांद को सेकना था, तो नांद भी अच्छी तरह सिक गई है। अब आप इसे अपनी मनपसंद करी के साथ खाएं या फिर आप इसे ऐसे ही खाएं, ये बहुत ही मजे की बनी है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।